हेलो कैम छो, मेरा नाम है मोटो न्यूज और मैं आपके लिए लाया हूँ इंडियन मोटो से कुछ इंपोर्टेंट अपडेट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एनीवेज बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट अपडेट जो कि आ रही है आमिर मजीद की साइड से। तो ये बहुत सैड न्यूज होने वाली सबके लिए। पहले लोग आपको पता ही होगा उन पे अटैक हुआ है कल रात को सिद्रा में। मैं आपको उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी दिखा देता हूँ, आप देखिए। पहले लोग आप देख ही सकते हो काफी ज्यादा चोट भी लगी है भाई को, देखिए पुलिस को भी अटैक किया है। और ये सब होने के बाद जब आमिर भाई को हॉस्पिटल लेके गए थे तब जेपी व्लॉग्स भी गए थे तो उन्होंने ये अपडेट दिया है। ऐसा हुआ कि आमिर भाई को ना 2 महीने से काफी ज्यादा थ्रेट्स आ रहे थे भाई। तो आज जो है ना वो अपने सिद्रा बैठे हुए थे अपने कैफे में, डिनर वगैरह कर रहे थे। बाहर से ना एक ग्रुप आया, उन्होंने ना उनपे जो है अटैक किया। जिस अटैक में जो है आमिर भाई पे जो है काफी ज्यादा जो है सीरियस इंजरीज आई हैं, कुछ मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऐसा बोल रहे हैं। बिकॉज हम तब से ना यहीं पे बैठा हुआ मैं, हमें हो गए 5-6 घंटे हो गए गाइज, हम यहीं पे बैठे हैं, ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा रहे हैं। अभी भी जो है मैं मेडिसिन लेने ही बाहर जा रहा हूँ। सो भाई मुझे सिर्फ इतना बताओ यार, वो बंदा अपनी अपनी मेहनत करके चढ़ा है तो तुम लोग मैं लोग आपको फुल वीडियो देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप लोग जरूर जाके देखना एक बार, पूरा समझ आ जाएगा क्या सीन हुआ। उसी के ऊपर आविद मलिक ने भी रिएक्ट किया, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। तुम्हें अभी पता चल रही होगी 1-2 घंटा पहले, हमें ये न्यूज रात को 12-1 बजे ही पता चल गई थी कि ऐसी कुछ हुआ है कि आमिर मजीद को किसी ने जम्मू में अटैक किया है। भाई मुझे ना ऐसे एक टाइम के लिए समझ नहीं आई कि भाई हुआ क्या, क्योंकि अब हम कह नहीं सकते कि प्रॉपरली हुआ क्या था। एंड सबसे पहले जो भी ये यूट्यूब पे न्यूज़ फैल रही है ना, इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करो, क्योंकि जब तक वो बंदा खुद आकर तुम्हें कंफर्मेशन नहीं दे, एक उनके हैंडल से स्टोरी आई है तो वो तुम जाके चेक कर सकते हो, बट फेक न्यूज़ इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करो कि क्या हुआ। जो भी हुआ अभी फ़िलहाल ये पता चल रहा है कि आई थिंक सिद्रा में थे तो वहाँ पे वो 3 थे हामिर और किसी ने अटैक किया उन पर आकर, वो ज़्यादा थे। अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है क्योंकि रात को जब हमें पता चला ना, तो मैं हूँ वो सिटी से थोड़ा दूर रहता हूँ, मतलब सांबा वाली साइड, तो मेरा वहाँ जाना का बहुत मुश्किल था रात को 12-1 बजे। बट हमारी बात हुई दोस्तों से, तो जेपी से बात हुई, जेपी भाई बोलता है हाँ मैं जाता हूँ, तो उनकी क्लिप जो फुल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जरूर जाके देख। बात कर लेता है मजीद की, तो उन्होंने भी आमिर मजीद के लिए इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। उसी के ऊपर बीयर बाइकर समी ने भी रिएक्ट किया था, उनकी भी आप इंस्टाग्राम स्टोरी देख सकते हो। बीयर भाई के लिए दुआ करो, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और पहले जैसे अपने लिए ब्लॉग बनाए। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।